जहाँ दोस्तों स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। तो दोस्तों कॉलेज के सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, जहाँ दोस्तों कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है। अब क्या जानकारी है वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आपने लिया है एडमिशन 2022 सेशन में तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको अच्छे समझ में आ पाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट की। जी हाँ दोस्तों, जो भी सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में एडमिशन लिया है उनके लिए यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी है, बड़ा अपडेट है। दोस्तों क्या है बड़ा अपडेट वो मैं आपको बताऊंगा और सभी यूनिवर्सिटी का बताऊंगा। मध्य प्रदेश में लगभग 8 यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बारे में अपडेट दूंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी से अपडेट आ रहा है, राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय की तरफ से यहाँ पर अपडेट आ रहा है, जिसका नाम पहले छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी था, अब राजा शंकर साहब कर दिया है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है रेगुलर और प्राइवेट। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हो चाहे प्राइवेट के स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर, सबसे पहले सेकंड ईयर की बात कर लेते हैं। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीसीए, बीबीए के रेगुलर के स्टूडेंट के सेकंड ईयर और प्राइवेट की बात करें तो बीए बीकॉम। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट में बीए बीकॉम के जो भी स्टूडेंट हैं और रेगुलर के बीए बीकॉम बीएससी बीएचएससी के जो भी स्टूडेंट हैं उनके जो परीक्षा फॉर्म है दोस्तों 2022 के वो भरना शुरू हो चुके हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 मार्च से आपके परीक्षा फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। 10 मार्च इसकी लास्ट डेट रखी गई है और 100 रुपये की लेट फीस के साथ में आप 11 मार्च से 16 मार्च तक अपना परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे। ये तो हो गई सेकंड ईयर के स्टूडेंट की बात। अगर हम यहाँ पर फीस के बारे में भी बात करें तो आपकी कुछ फीस रहने वाली, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी सब्जेक्ट की अलग अलग फीस है, यानी कि सभी कोर्स की अलग अलग फीस है। बीए सेकंड ईयर की यहाँ पर सभी की अलग अलग फीस रखी गई। जब आप अपना परीक्षा फॉर्म अप्लाई करोगे वहाँ पर आपको एक्चुअल फीस आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये तो आपकी फीस के बारे में हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं थर्ड ईयर के स्टूडेंट की। दोस्तों अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं रेगुलर प्राइवेट के तो इनके भी जो परीक्षा फॉर्म में भरना शुरू हो चुके हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बीए बीकॉम बीएससी बीबीए सभी नियमित और स्वाध्याय यानी कि प्राइवेट बीए बीकॉम के जो भी स्टूडेंट हैं उनके परीक्षा फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। इसकी भी लास्ट डेट सेम रखी गई, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 मार्च से 10 मार्च रखी गई है और 11 मार्च से 16 मार्च 100 रुपये लेट फीस के साथ में आप परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर फीस के बारे में देखें तो सभी की यहाँ पर फीस अलग अलग दिखाई दे रही है। जब आप अपना परीक्षा फॉर्म भरोगे उसी टाइम पर आपको एक्चुअल फीस दिखाई देगी। परीक्षा फॉर्म कैसे भरना है इसका जल्दी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए ये तो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में। अब चलिए दोस्तों अदर यूनिवर्सिटी का भी हम देख लेते हैं। अगर आपने छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, जैसे कि नंबर 1 पर हम बात कर लेते हैं रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी। अगर आपने लिया है रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो इसकी भी जो परीक्षा फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। तो आरडीबीबी के जो लास्ट डेट रखी गई है रेगुलर स्टूडेंट की यहां पर लास्ट डेट रखी गई है वो रखी गई है 8 मार्च और प्राइवेट स्टूडेंट की रखी गई है यहां पर 24 मार्च। तो 8 मार्च और 24 मार्च से यहां पर भर सकते हैं। अगर हम अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की बात करें तो एपीएस यूनिवर्सिटी की सेकंड ईयर थर्ड ईयर के परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखी गई है यहाँ पर 10 मार्च। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जीवाजी यूनिवर्सिटी, किसकी दोस्तों, जीवाजी यूनिवर्सिटी सेकंड ईयर परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है दोस्तों 13 मार्च। अगर हम दोस्तों बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की बात करें बी यूनिवर्सिटी की तो यहाँ पर 15 मार्च लास्ट डेट रखी गई है। अगर हम दोस्तों देवी अल्लाह यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर 22 फरवरी लास्ट डेट रखी गई थी। अब इसकी लास्ट डेट को आगे नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन आप लेट फीस के साथ में इसका परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर विक्रम यूनिवर्सिटी की बात करें तो विक्रम यूनिवर्सिटी की यहाँ पर 15 मार्च लास्ट डेट रखी गई है। एमसीबी यूनिवर्सिटी की बात करें, हमारे छत्तीसगढ़ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसकी लास्ट डेट 10 फरवरी रखी गई थी, लेकिन इसकी लास्ट डेट को आगे नहीं बढ़ाया गया, लेकिन लेट फीस के साथ में आप इसका परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, ओके। तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई है आपको। आपने अब किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों मैंने विक्रम यूनिवर्सिटी, महाराज छत्तीसगढ़ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, देवी अल्लाह यूनिवर्सिटी, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी और रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के एग्जाम फॉर्म कैसे बनना है इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के साथ, कोई भी डाउट हो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।